वेरी 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 गुड मॉर्निंग गाइस, हमारा कल का सेटअप इस जगह था, देख सकते हैं आप। ये वैसे कहते हैं तालाब है, बारिश के टाइम पे यहाँ पे पानी भरता है और इस जगह हम कैंपिंग कर रहे हैं। बिसलपुर यहाँ से 102 किलोमीटर यानी सिर्फ 2.5 घंटे का रास्ता। देखिए ये कोई भीलवाड़ा का ही गांव है, कितना प्यारा सा गांव है, पुराने से घर देखने के मिल रहे हैं यहाँ। इनके छते देखो किस तरीके की छते हैं। एप्पल ले लिए, अनार ले लिए एंड कीनू ले लिए। कहता तेरे को कंटेंट दिला के लाता चल गाँव में। कल वाले अभी तक निशान गए नहीं है भाई, नए निशान देने के लिए ले आया है इसी रोड पे। कितने बढ़िया बढ़िया से घर देखने को मिल रहे हैं। अभी हमें इस विलेज के अंदर पुराने घर, कच्चे घर देखने को मिल रहे हैं। रोड बहुत पतली है, देखो यार गाइस कितना एफर्ट लगाना पड़ता है ऐसे ऐसे रास्तों पे आने के लिए। ये यहाँ देखो फिर से गांव शुरू हो गया है। जो भी ढाबा है उधर से खाना ऑर्डर किया, अभी खाते हैं फिर निकलेंगे बिसलपुर डैम के लिए, वहीं आज काम करेंगे। देख लिया क्योंकि सनसेट हो रहा है और ये हमारी गाड़ी खड़ी, और ये देखिए नजारे। के बाद रुकेंगे बिसलपुर डैम के पास में, यहाँ पे गाड़ी का टैंक फुल करवा रहे हैं हम। इन पहाड़ों को देख के कौन कह सकता है कि ये राजस्थान के पहाड़ है। देखो कैसी कैसी रोडों से होते हुए हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अभी मिनी गोवा के लिए। इधर कैंपिंग वैम्पिंग सब चल रही है यार गाइस, हम भी बढ़िया कैंप करेंगे। गाइस देखिए नीचे कितना गंदा दलदल है और गाड़ी निकल जाएगी ब्रो, थोड़ी सी मेहनत और निकल जाएगी। बहुत गंदा स्लश है लेकिन यार ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट है अपना भाई, और 4x2 है गाइस ये कार। और हमारे बुट्टे में बहुत दम है, हमारा बुट्टा किसी से कम है के बुट्टा सीरियस मोड है। स्ट्रगल देखिए गाइस, 4x2 है अपनी ये वाली, और देखो टायर कैसे अंदर चले गए। मतलब मिनी गोवा को अंडर एस्टिमेट मत करें, नीचे पानी है भाई। ये देखो पीछे से गाड़ी बिल्कुल टिक गई है, ये देखो कितना स्ट्रगल किया यार गाड़ी ने निकलने के लिए। हाँ गाइस यार गाड़ी बिल्कुल अंदर बैठ गई, टायर पिछले। अपना मॉन्स्टर निकालेगा अभी शेरा को, शेरा फंस चुका है पूरी तरह। भाई अभी बेल्ट लगा रहा है, और अपने भी जो बेल्ट लिया था वो आज काम आएगा। गाड़ी निकाल ली फाइनली। मॉर्निंग एवरीबॉडी, देखिए आज की सुबह हो चुकी है और ये हमारा कैंप सेटअप, और ये भाई का कैंप सेटअप, और ये देखिए कितने ब्यूटीफुल से नजारे हैं। यानी जो आपको ये समंदर जैसा देखने को मिल रहा है ना, ये है बिसलपुर डैम। अभी मॉर्निंग हो चुकी है, कई सारे काम कर लिए, चाय वाय भी पी ली, सब कुछ हो गया। अभी इन टेंट्स को पैक करने से पहले एक ड्रोन फुटेज ले लेते हैं भाई के साथ में, हो सकता है आज आखिरी कैंपिंग हो। कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। किस चीज की ना हो आखिरी कैंपिंग। Give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest.
तो ये है बिसलपुर डैम, ये पूरा गंदे वाला दलदल है, गंदे वाला दलदल है गाइस, और दलदल में गाड़ी मैंने तो उतार दी है दोस्तों। मॉन्स्टर भी फंस गया है और इसका क्रेडिट जाता है इस भाई को। यार अपनी गाड़ी फंसती नहीं, फंसने का कारण बताता हूँ। देखो वहां से आया था मैं वहां से, और इधर से सीधी निकल जाती, लेकिन यहाँ से टायर फिसलने लगा, बिल्कुल इसके क्लोज आ गई थी, तो मैंने दे दिया ब्रेक, जस्ट बिकॉज की सीधा होता तो निकल जाती। ये 4x2 की वजह से 4x4 फंस गई, और फंसाने के क्रेडिट जाता है भाई को। ये देखिए अब भाई इतनी गहराई में ले आया, थोड़ी देर में लैंड ही करा देता भाई, इतना क्लोज ले आया था। तो देखो गाइस भाई ने गाड़ी पूरी अच्छे से नीचे की तरफ टिका दी है, और टायर इतने इतने फंसे पड़े हैं। और वहीं अगर अपनी गाड़ी की बात की जाए ना, तो वो उस टाइम वहां थी, हम वहां से बैक करके इधर निकालने की कोशिश करें, लेकिन ये क्या स्लिपरी है बहुत ज्यादा, तो गाड़ी जा रही है इधर की तरफ, और इसके बाद में हमने दे दिए भाई ने ब्रेक। पहले ये वाली निकाली हमने कैसे भी करके, एंड ये देखो अपनी गाड़ी भी निकल गई। पीछे के टायर की हालत देखो आप, तो उसका जितना भी गंदा मड है ना, देखो दोनों तरफ लग गया। लेकिन यार मजा आया यार ऑफ रोड करके, मजा आया दोस्त, एक बार और हो जाए अंदर से। भाई कहता नहीं होगा, ये आदमी गलत है यार। जब यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत ऑफ रोड कर लिया, बहुत मजे कर लिए, अभी लेट हो जाएंगे, यहाँ में पहुंचना है दिल्ली। गाइस देखिए बनास का कितना शानदार व्यू है, और ये अपनी थार। तो गाइस नहा धो भी लिए हैं, दिल्ली वाला लौंडा बन गया अभी ये, अब ये ट्रैवलर और जंगली नहीं रहा, जिसको मैंने एक हफ्ते की इसकी प्रतिज्ञा तोड़ी है इसको नहलाने की। तीन दिन भी बहुत होते हैं दोस्त। ये देखिए अभी हम पहुंच गए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे, भाई को हम छोड़ने जा रहे हैं दिल्ली स्पेशली, क्योंकि ये कहता मैं अकेला नहीं जा सकता, इसको डर लगता है, तो इसको मैं स्पेशल दिल्ली छोड़ने जा रहा हूँ। दिल्ली छोड़ने जा रहे भाई को। ऐसे गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, कौन समझाए इस कमबख्त इंसान को, एक्सप्रेस वे पे गाड़ी क्यों रोक के आए। तेरे को देख के मेरे को पीछे लगानी पड़ी मजबूरन, काम ही वो करते जिसकी परमिशन सरकार नहीं देती, फिर जूत भी तू ही खाता है भाई। अब नहीं बोलेगा ये मेरे को फुटेज से हटाना पड़ेगा। डॉगी को बिस्किट दिए हैं, ये रेस्ट एरिया है रास्ते में, एंड भाई को शीशे साफ करने थे, ये अपनी गाड़ी के शीशे साफ कर रहा है। करीब 150 किलोमीटर दूर है गुड़गांव, आज 82वां दिन है, 82वां दिन, ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसे अच्छे एरिया में आगे ना बढ़िया लग रहा है। यहाँ से डीजल डलवा रहे हैं, कुछ तो सस्ता मिला यार।